बहन चूत पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत मारी जा रही है। प्यार के लिए चूत मारता पड़ेगा लड़कियों की। मुझे लगता है विजीत कोई पहले से ही बड़ा था रुशाली की चूत के पीछे। पिकनिक के बहाने चूत मार ली इसकी। अरे दया भोसले के तुम पॉर्न वीडियो बनाने वाले को क्यों नहीं पकड़ते? सर ये फटा हुआ कॉन्डम यहाँ पे कैसे आया? बहन के लौड़े टकले तेरी बात छोड़ दूंगा। दो तो चूत मार चुका है और एक हमारे सामने मारने जा रहा है। यहाँ तो चूत का नाम होता नहीं। ये दोनों ही उस लॉन्ड्री में हमारी चूत के बारे में जानते थे। मैंने नहीं ली सर, मैंने किसी की चूत नहीं ली। हाँ तुमने कहाँ ली है? ली तो हमने। हाँ तो सिमरन, तुमने देखा चूत मारते हुए सामने वाली बिल्डिंग में? सर बिलीव मी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सर सर मुझे लगता है कि आप लोग फालतू में अपना लौड़ा खड़ा कर रहे हैं। दिख रहा होगा ये चूत का मामला है। हो सकता है सिमरन ने जो देखा है वैसे ही चुदाई हुई। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैंने इसे यहाँ छुपा कर रखा है। क्यों? ताकि इसके परिवार वालों को पता नहीं चले कि इसे कुछ हुआ है। दिख रहा होगा ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं चूत के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? एक बार हमें पता चलता है ना कि चूत मारी है तो हम पूरी की पूरी तहकीकात करके ही चोदते हैं। सर सिमरन का कहना है कि उसने किसी औरत की चूत मारते हुए देखा इस घर में, पर सिमरन के नौकर और केयरटेकर का कहना है कि इस घर में कोई औरत रहती नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। चूत मेरे घर पे, वो भी एक औरत की? हाँ एक औरत की। कहाँ छुपा के रखी है उसकी गांड? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये पेंटिंग ऐसे कैसे किया गया? कहीं कहीं पे पेंट मारा है, कहीं कहीं पे नहीं, क्यों? ओ बहन तो ये चक्कर है। ओ अबजी ये देखो मोट। ये क्या कर रहे हैं साहब? अभी अभी पेंट किया था, खराब हो जाएगा। देखा अभिजीत? चूत मार के खिड़कियों पे पेंट किया जा रहा है। सर यहाँ से पेंट उकड़ रहा था तो इसलिए पहले यही पेंट कर दिया। ठीक है भोसड़ी के, झूठ और सच का तो पता चल ही जाएगा। दया ये पेंट उठा के डॉक्टर झाटुके के पास भेज दो। बॉस केदार के घर में से हमें जो पेंट मिला है वो सिर्फ पेंट नहीं है, उसमें मुठ भी है। मुठ? हाँ इंसान का मुठ। पेंट के अंदर मुठ कैसे हो सकता है सर? ये देखो मुठ। मतलब सर मुठ के दाग को छुपाने के लिए ही उसके ऊपर रंग किया गया है सर। फिर तो उस घर में जरूर चूत मारी है। अगर केदार ने चूत मारी है तो उसने गांड को ऐसे खुलेआम नहीं रखा होगा सर। दया अगर उसने गांड को दीवार में ही गाड़ दिया तो ये सारी दीवारें तोड़ के देखो बहन चोर, मगर गांड मिलनी चाहिए। चोद, इतना सारा मुठ, इसका मतलब है चुदाई यहीं आसपास कहीं हो रही होगी। बहन चोद, झाटू के तूने जो टाइम दिया था उसी टाइम पर हम लोग पहुंच गए, चाहिए तो अपना टाइम मिला। बॉस जब झाटू के पॉन वीडियो देखकर मुट्टी मारता है तो वो जगह पत्थर की लकीर बन जाती है। अरे सर ये पत्थर की लकीर वकीर छोड़ो, आप ये बताओ इस लड़की की चुदाई हुई कैसे? देखो बॉस इस लड़की की चुदाई किसी तेज धार वाले लौड़े के घुसने की वजह से हुई है। ये भी हमें मालूम है, आप कुछ और बताइए। अरे सर जब यही पता नहीं है कि लड़की कौन है, इसको किसने पेला और क्यों छोड़ा है तो जुबान संभालो भोसड़े। एक और चीज ऐसी मिली है बॉस जो आप लोगों को चोदू तक जरूर पहुंचा देगी। वो क्या है सर? इसकी चमड़ी में हमें एक किस्म का सांडी का तेल मिला है जो अधिकतर हरामी क्लब्स में यूज होता है। चोद तेल तो है। और एक बात भोसड़े, ये सांडी का तेल हर कोई आदमी यूज नहीं करता है, बहुत कम गांडू लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेंट। दया सारे हरामी पार्लर्स में जाकर पता करो। तो क्या बोलती पब्लिक, चच्चा आ गया, अब इसको और इसकी पब्लिक को सांडे का तेल देंगे। अरे भाई साहब यहाँ कोई सांडे का तेल बेचता है? सर वो वहाँ पे जो बंदा गा रहा है ना वही है। छक्का है तू साला छक्का है, हम तेरा चच्चा है
हम तेरा सुन अब गांडू गया नहीं जाता ज्ञान मत पेल तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेरा डांस देखा चचा को मजा नहीं आ रहा तू तो छमिया का जैसे बस गणिया हिला रहा बेटा होंडो लोग को तुम दम चचा ज्यादा पी ली क्या दूर हटके करो ना डांस मुझे चचा मैं खुद की शक्ल लेके आईने में चचा और छक्कल की जगह अगर सीआईडी बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा राहुल को लगता है सिमरन बीमार है मगर सिमरन उतनी बीमार नहीं है और उसने चूत मारते हुए देखा है मतलब चोदू को जरूर चोदते हुए देखा होगा उसे हमें इस चोदू को ढूंढना है यस सर क्या हो रहा है यहाँ पर राहुल जी है? सामान पैक हो गया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग में चूत मारी गई और आप लोग बाहर जा रहे हैं है? क्या हुआ भाई ऐसे लन लटका के खड़े हो सर मेरी पत्नी सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही क्या उसकी चूत मार ली गई है कल रात को इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ आप किसी चित्राशी को जानते जी हाँ मैं उसे जानता हूँ क्यों क्या बात है क्या हुआ उसे चूत मारी है उसकी चूत मारी गई उसकी जी हाँ मुझे तो पहले से मालूम था कि चूत को कुछ खतरा है सीआईडी वाले तुमसे मिले एक चूत मारी गई है उसकी तहकीकात करने के लिए आए हैं हम चूत किसकी चूत चित्राशी की चूत चित्राशी हाँ चित्राशी कैसे वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि किसने मारी चित्राची की चूत कौन ऐसा कर देगा राहुल राहुल सिमरन का हस्बैंड राहुल हाँ राहुल जीत हम राहुल के घर चलते हैं सर मेरे चित्राची की चूत नहीं मारी है सर कोई ऐसे किसी की चूत मारने की नहीं सोचता है राहुल कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से तुमने चित्राची की चूत मार ली सर मैं चित्राची की चूत क्यों मारूंगा सर मैंने चित्राची की चूत नहीं मारी है इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसके पत्नी ने चूत मारते हुए देख लिया है चित्राची की चूत तुमने अपने कंपनी के मालिक की चूत मार ली और फिर चित्राची तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर आई तो उसकी भी मार ली और फिर सिमरन की चूत मार ली अरे यार सर मैंने उसकी चूत नहीं मारी है सर फ्रेडिक्स उठाओ इस बकचोद को हाँ सर पता चल गया सर असली चोदू कौन है हाँ सर भी सर आप मेरी तो फट गई थी फट तो भोसड़ी हमारी भी गई थी यहाँ आते आते किस बात से सर अब जो आदमी तीन तीन चूत मार के स्विमिंग पूल में मजे लूट रहा है वो हमारी भी गांड मार सकता है इसलिए फट रही थी मैंने कोई चूत नहीं मारी है सर अच्छा तुमने चूत नहीं मारी हट तुम्हें क्या लगा तीन तीन चूत मार के तुम बच जाओगे अब जेल में रगड़ते बैठो दौड़े को फांसी होने तक